टू आवर चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो आज फिर से हम दोनों बाहर जा रहे हैं कुछ नया ट्राई करने के लिए। नया नहीं, एक्चुअली हमारे लिए वो पुराना ही है बिकॉज वो हम खाते रहते हैं। आज हम जा रहे हैं डाइट फूड पे बनाने के लिए कि हम डाइट फूड में क्या खा सकते हैं। आज कुछ उल्ट पुल्ट नहीं खाना बिकॉज पिछली वीडियो में हमने बहुत ज़्यादा खा लिया था, बहुत ही ज़्यादा। दिखाएंगे कि आपको डाइट फूड में आप क्या खा सकते हो अगर आपको बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही है खाने की, कि यार कुछ टेस्टी खाना है बट हेल्दी होना चाहिए और नॉनवेज होना चाहिए स्पेशली, क्योंकि ज़्यादातर लोग जिम वाले जो वेट लॉस पे होते हैं ज़्यादातर चिकन ही खाते हैं। तो आज हम वहीं हम जा रहे हैं दोनों। कुछ दिखाएंगे वहाँ की, मतलब इतना टेस्टी खाना और इतनी सारी वेराइटी, इतना हेल्दी कैसे हो सकता है। तो अभी चलते हैं, अभी मैं उसी का वेट कर रही हूँ। एज़ यूजुअल लेट है बट कुछ नहीं कर सकते अब उसका। रेडी तो हो चुकी हूँ, थोड़ा सा और है वो आ जाएगा तो फिर मैं बस बाल बांध के चलो। सो दिस इज माय OOTD फॉर टुडे। चलो वेट करते हैं अब सर का, जब आएंगे तो चलेंगे। हाय, आ गए हम। इतनी लेट आया है, कमीज तो बिल्कुल बेच ही खाई है ना। काम भी होते हैं ना, अकेले कोई होते हैं। दार्जी चिक इन। तो यहाँ पे क्या क्या मिलता है, मतलब यहाँ पे सारा डाइट फूड ही मिलता है एक्चुअली, सारा हेल्दी फूड, डाइट फूड जो मतलब नॉर्मल भी चीजें है ना यहाँ पे वो भी हेल्दी ही है। लाइक अगर आपको मेन कोर्स चाहिए या फिर जो भी चाहिए, मेरा सब कुछ बहुत ही ज्यादा लेस क्वांटिटी में डालते हैं ये, और हाई प्रोटीन होता है और बहुत ज्यादा टेस्टी होता है। मेन बात ये कि रेडी टू ईट होता है, फ्रीज फूड भी होता है ना, फ्रीज फूड भी होता है जो घर जाके नॉर्मल आपको फ्राई या माइक्रोवेव में कर सकते। हम मंगवा रहे हैं पालक चिकन और रुमाली रोटी और डिमसम। इनके जो डिमसम है उसमें भी बहुत ज्यादा लेस फूड होता है, लेस फैट। हम दोनों अंदर और ऑर्डर करके आते हैं। ये तो वेज खाने वाले हैं, मैं नॉन वेज खाने वाली हूँ। वेज क्या डिमसम, तो फिर हेल्दी है ना। आर यू श्योर? यस, आई एम श्योर। खा के टेस्ट कर एक बार बताओ मेरे को। क्या रेट था इसका? 150। हाँ ठीक है, ओके। ब्रेस्ट भी मिलती है जो कि मतलब एक तो खाने में तो बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है और बहुत हेल्दी और फ्रेश तो होती है, ये टेस्ट से पता लग जाता है कि फ्रेश है कि नहीं। हार्ड होती है ज़्यादातर ब्रेस्ट है ना, तो इनकी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है। और सबसे बेस्ट अगर कोई यहाँ आए तो है मिंट चिकन, जो मेरा तो पर्सनल फेवरेट है, मेरे को बहुत अच्छा लगता है। मिंट चिकन ब्रेस्ट नाम है उसका। पालक चिकन विथ रुमाली जो है सिर्फ मेरा, ये वेजिटेरियन है ये नहीं खाएंगे, मतलब वेजिटेरियन नहीं है, थोड़ा कम नॉन वेज वगैरह खाते हैं ये सर, ज़्यादा नहीं खाते जितना मैं खाती हूँ। राइट, बहुत ज़्यादा टेस्टी, ये हम दोनों का ही फेवरेट है, हद से ज़्यादा टेस्टी, हद से ज़्यादा। पालक मिंट चिकन नहीं, पालक चिकन हद से ज़्यादा हेल्दी। लेमन चिकन ये भी हेल्दी है और टेस्टी है। कैसा है? अच्छा, कैसा है भाई? अच्छा, ऑयल कितना है? ऑयल कम ही है, ज्यादा नहीं है। चिकन मंचूरियन और ये भी हेल्दी है, मतलब एक बार को आते हैं दिमाग में कि मंचूरियन हेल्दी कैसे है, बट ये है। ये है चिकन। ये मैं फर्स्ट टाइम खा रही हूँ यहाँ से।
यार बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। पेट तो भर ही गया है, डाइट का खाना खाते हुए भी ओवर ईटिंग हो गई है यार। तो जो इनका जो प्राइस है नॉर्मल डाइट फूड का, वो 150 से 200 के बीच में रेंज का। तो खाली डाइट फूड नहीं है, मतलब बहुत सारी चीज़ें, मेन कोर्स, स्टार्टर्स वगैरह इनके यहाँ पे, मतलब फूड है वो आपका 250 ग्राम्स के हिसाब से है। मतलब 250 ग्राम का 150 रुपीज़, जितना आपको ग्राम चाहिए, जितना आपको केजी चाहिए या जितना आपको ग्राम चाहिए वो आपको ये दे देंगे। ओपन भी मिलता है और फ्रोजन भी आपको मिलता है, आपको हर चीज़ मिलेगी। एक चीज़ नहीं है, कम से कम इनके पास 20-30 आइटम्स है। इनके पास कबाब है, 18 फ्लेवर के इनके पास कबाब है, और क्या बोलते हैं जो ब्रेस्ट है, ब्रेस्ट आपको कम से कम 6-7 तरीके की मिल जाएंगी। और मिंट ब्रेस्ट आप ज़रूर खाइए, मिंट ब्रेस्ट बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, क्योंकि ये खुद बनाते हैं वो। पहले उसका कीमा करा जाता है, फिर बहुत सारा प्रोसेसिंग होने के बाद वो बनती है, और वो बहुत अच्छी है, हेल्दी भी है, और सबसे बड़ी बात डाइजेस्ट बहुत जल्दी होती है। और अगर आप ग्रीन चिक चॉप वगैरह से खाते हो तो आपको पता होगा कि ग्रीन चिक चॉप का जो खाना है उसके अंदर प्रिजर्वेटिव होते हैं, पर इनके उसके अंदर कुछ भी नहीं है ऐसी, मतलब ऐसी कोई चीज जो हार्मफुल हो आपके बॉडी के लिए या कुछ भी। जैसे मैं पहले ग्रीन चिक चॉप वगैरह खाता था तो मेरे को डाइजेशन में थोड़ी प्रॉब्लम होती थी, पर जब से इनका खा रहा हूँ तब से मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, कभी मेरा पेट दर्द नहीं हुआ, कभी कुछ नहीं हुआ ऐसा। और इनका खाना बहुत अच्छा है। आपको सबसे बड़ी बात, आपको डिलीवरी करवानी है, डिलीवरी भी करते हैं, आपको जोमेटो स्विगी दोनों पे मिल जाएंगे, नहीं तो आप इनका नंबर भी ले सकते हो, इनको कॉल करो, इनको बोलो जो आपको मंगवाना है वो आपको ये डिलीवरी कर देंगे। सी फोरी जनकपुरी में, जो दिल्ली में रहते हैं, आसपास रहते हैं जनकपुरी के, उनके लिए इजीली अवेलेबल होगा। हम जा रहे हैं सबसे खतरनाक काम के लिए, वो है क्या हम बनवाने जा रहे हैं टैटू। एक सरप्राइज है। ओके, तो ये एक सरप्राइज है मम्मी पापा के लिए कि मैं उनका टैटू, सबसे पहला टैटू मैं बनवाना चाहती थी, तो मैंने सोचा था कि उन्हीं के नाम से बनवाऊंगी फर्स्ट टैटू। तो भी जा रहे हो, बस दिल तो बाहर गिरने को हो रहा है मेरा यार, डर लग रहा है। अभी बस रास्ते में बस पहुंचने वाले हैं, थोड़ी सी दूरी और। कम से कम कितने देर, कितने टाइम से मैं प्लान कर रही हूँ, अभी मेरे को कम से कम 5-6 मंथ्स हो गए हैं सोचते। मैंने अभी बीच में मम्मी से बातों में परमिशन तो निकाल ली, बट अब फाइनली जा रही हूँ, पता नहीं क्या होगा यार। डरती हुई लड़की माई पाई बैलून के पास। तो नहीं है चक्कर तो नहीं आ गए, अजीब सा तो नहीं लग रहा, पक्का श्योर डन कर दिया जाए, लॉक कर दी जाए बात।
बहुत क्यूट है। मेरा टैटू बन गया है, अभी तो कवर हो रखा है ये, बट दर्द तो हुई थी, देखा थोड़ी सी तो दर्द हुई थी, मतलब ज्यादा नहीं कि भाई पागल ही हो गई मैं, नहीं जितना मैं घबरा रही थी उतना तो नहीं हुआ दर्द, बट ठीक था, दर्द तो पिन चुभने वाला ही था। जैसे मैंने मतलब अपना टैटू बनवाया है वहाँ विकासपुरी मैकडी के आसपास ही है, वो बहुत ही आसानी से मिल जाए, उसका नाम है अ टैटू मेकर, उसका नाम और नीचे नंबर वगैरह दे दूंगी। मतलब बहुत ही कम दर्द हुई मेरे को, ज्यादा नहीं हुई, ठीक था। उसका प्राइस भी बहुत मतलब कम था, ये नहीं बहुत ज्यादा, जैसे लोग कोई कोई टैटू मेकर इतने इतने टैटू के बहुत ज्यादा पैसे ले लेते हैं, बट इसने एकदम सही प्राइस में और बहुत ही अच्छे से टैटू बनाया, मेरे को बहुत ही अच्छा लगा। एंड कुछ कहना चाहते हो? कुछ नहीं। ओके हाँ बाय बाय।